किला है, किला है। द ब्यूटी ऑफ संगम। ये कौन सा चिड़िया है? आज मैं अपने गांव जा रहा हूं, बट इसमें एक ट्विस्ट है। मैं इलाहाबाद होके जाऊंगा। इलाहाबाद में मुझे प्रदीप से मिलना है, अनुराग से मिलना है, वो इलाहाबाद में एक्चुअली तैयारी करते हैं, तो उनसे मिलूंगा। उसके बाद हम अपने गांव के लिए जाएंगे। तो लेट्स सी क्या क्या होने वाला है। हमसफ़र एक्सप्रेस का मुझे सबसे अच्छा एक चीज़ लगा कि इसमें एक ऊपर लाइट है। अगर आपको रात को पढ़ने का इच्छा हो तो आप ये लाइट चालू करके बिना किसी डिस्टर्ब किए आप पढ़ सकते हैं। 6 hours later इलाहाबाद पहुंच गए हैं। इलाहाबाद से फिर प्रयागराज, और यहाँ से मैं अपने दोस्त के पास जाऊँगा, उसका नाम अनुराग है, उससे मिलूँगा। उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है। अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ। यहाँ चुंगी करके यहाँ है, यहाँ पे मैं इसका वेट कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं साथ जाऊँगा। पहले तो गंगा स्नान करूँगा, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। अब इसके साथ जाएंगे संगम में, वहाँ पे स्नान करेंगे, फिर दर्शन करेंगे। मंदिर वही तो है, हम यहाँ आए हैं एक बार, और बगल में ही किला है ना। बगल देखो, मुझे मंगलवार होने की वजह से आज काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा संगम जाने का सफ़र। यहाँ के जितने भी बोट हैं वो 60 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं, और वो अपने बोट में लगभग 10 से 15 लोग को ले जाते हैं। बट हमने प्रेफर किया, हम अपना दो ही लोग जाएंगे, जिससे वो जिसके लिए हमने उनको 200 रुपये पे किया था। तो अपना बोट पे बैठ गए हम लोग। खुश होना तब हमको 200 हमारा मेहनताना देख के देना, सवारी एक तो नहीं लेंगे। तो आदमी का आनंद ना उठे तो पैसा वापस, ये बात। चलो गारंटी दे रहे हैं कि अगर भाई भजन भी अच्छा ना लगे तो पैसा वापस। सी द ब्यूटी ऑफ संगम। देखिए कौन सा चिड़िया ये अनुराग? साइबेरियन पक्षी। अभी हम लोग भी लेंगे दाना, तो हमारे पास भी आएंगे। कहाँ मिलेगा? नहीं मिल जाएगा। नमकीन ये खाएंगे रो?
तो कब कहाँ खिलाओ जाए? फिलहाल मत कहीं जल्द देखोगे तो आएंगे बाबा, ट्राई तो करो तब तो जानोगे कैसी आएगी। हाँ हाथ में भी आ भग रहे नहीं आ जाइए इधर इस सामने फिर ना सामने आ जाएंगे तुम्हारे पास तक। खत्म हो गया, एक और ले ले। यहाँ पे एक अलग ही पीस है, मतलब चारों तरफ पक्षियों का ना आवाज़ और चारों तरफ नाव और साथ में नाव खेवैया, वो अलग ही मस्त है। अपने गाना गुनगुना रहे हैं बिल्कुल। तो संगम का दर्शन तो वर्थ इट रहा इलाहाबाद आना। अब हम लोग जा रहे हैं गंगा जी। ये जमुना जी हैं। अच्छा जमुना जी को कैसे मतलब पता चलेगा कि ये जमुना जी हैं? कैसे मालूम चलता है? एक ग्रीन एक वाइट दिखे। चारों तरफ नाव थी, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था वहाँ का। तो मैंने सोचा इस इन्वायरमेंट में कुछ एडवेंचरस हुआ जाए, तो मैंने भैया से पूछा कि क्या मैं आपका नाव चला सकता हूँ। थोड़ी देर उन्होंने पॉज लेने के बाद सोचा कि चलो ठीक है चला लो। बट मैं आपको बता रहा हूँ नाव चलाना इतना डिफिकल्ट था, आप खुद ही देखो। तुमसे ना हो पाएगा। इतना ठंडा भी नहीं है पानी, वो लग रहा था पानी काफी ठंडा होगा लेकिन पानी इतना ठंडा नहीं है। अंदर जाके फ्रिज नहीं हो गया। गंगा जी में लेके चला पहले नहा लो, पहले गंगा जी देखो भीड़ देख रहे गंगा जी दिखाएगा सब दिखेगा पहले। अरे गंगा जी कहाँ नहा होगा? त्रिवेणी में जहाँ मिला ना ऐसे बगल में दिखता है ऐसे स्नान करते हैं। ये भीड़ ये है नहाने वाला सब बना रहा है प्लेटफॉर्म, यही जो बोलते हैं कहाँ है दो दो नाव जोड़ के बनाए हैं आपको नहाने। ये हाँ यही पे नहाने को देखो, ये सब माता पहले से नहाते हैं बदलने का होता है। अच्छा देखो वो 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 उधर वाइट गंगा जी में नहीं चलेंगे लेकिन तो ये अभी हम लोग जमुना जी में हैं और वो सामने वो है। गंगा का यमुना का सरस्वती अंतर वाणी देखो यहीं से गंगा जी दिख रही ना। हाँ वाइट है पानी वो गंगा जी है। हाँ नारियल फल डालते हैं स्नान करते। अभी हम लोग जमुना जी में खड़े हैं और उसके गंगा जी का मिलन कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट हल्का फुल्का आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं वहीं पे, हमारा नाव वहीं जाएगा फिर। हम लोग सोचे थे कि यहाँ आएंगे और बीच नदी में नहाएंगे लेकिन यहाँ का सीन अलग, ये तो डब्बा सा बना रखे हुए हैं वहीं नहाओ। अब हम लोग किनारे जाके नहाएंगे। देखो यमुना जी का कलर है पानी का और इसके जस्ट बगल में वो देखो वो गंगा जी है। हम लोग वापस जा रहे हैं घाट पे, घाट पे जाके नहाएंगे हम लोग। ये ऐसा सीन है, ये देखो दो नाव अटैच कर दिए हैं और एक झूला टाइप बना दिए यहाँ पे नहाने के लिए बोल रहे हैं। और इसका भी चार्जेस है 20 रुपये, 20 रुपये आप दोगे तो वो नहाने देंगे। बट यार हम लोग को ना सही नहीं लगा ये, तो हमने सोचा इससे अच्छा हम लोग किनारे पे ही नहाएंगे, कम से कम एक फ्रीडम ऑफ
बात तो रहेगा। कुछ भी 50 फीट गहरा है तो जिसको तैरना ना आए या फिर डूबने का चांस ज्यादा है, इसलिए यहाँ अलाउ नहीं करते बीच नदी। वापस चलते हैं। अगर आपकी दिल्ली ख्वाहिश है कि मुझे त्रिवेणी में ही स्नान करना है तो आप वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किनारे पे ही नहाएं, क्योंकि आप वहाँ से नहाने से कई गुना बेहतर महसूस करेंगे किनारे पे नहाते हुए। ये ऊँट है, अब हम सवारी करने। हुडी पहन ले, कौन से ये जैकेट है? यहाँ ना यार, पहली बार ऊँट पे बैठ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में आ गए हैं। और मस्त इसका नाम और घूम रहे हैं। हाँ मजा आ रहा है भाई साहब, आनंद है यार। आप भी सवारी करो, ऐसा कुछ ज्यादा चार्ज नहीं ले रहे, 50 बोले थे बट हमने डिस्काउंट करके 40 रुपये लिया भैया से, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे इस पे आ रहा है। ये हम बैठे हैं राजा महाराजा की तरह। ऊँट का सवारी सबसे बेस्ट था, बोट के सवारी से अच्छा था। 200 रुपये बोट वाले नहीं लिया, 40 रुपये ऊँट वाले नहीं लिया, लेकिन 40 रुपये में मुश्किल से 2 मिनट घुमाया होगा, बट हाँ काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मजा ने गंगा स्नान कर लिया है, हम लोग जाएंगे बड़े हनुमान जी का दर्शन करने, तो अभी चलते हैं बड़े हनुमान जी के पास। ये आउटर स्ट्रक्चर है किला का, कुछ ऐसा है। ये संगम से जस्ट बगल में ही है, मतलब लगभग 500 मीटर ऊपर है संगम है। अब यहाँ से ये रास्ता जाता है, यहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस उम्मीद है कि इस समय खुला हो। अगर प्रयागराज तो आप जा सकते हैं। ये पुराना किला अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था। इस किले में एक प्राचीन और विशालकाय बरगद का पेड़ है। ऐसा कहा जाता है कि यह बरगद का वृक्ष 300 वर्ष पुराना तथा अमर है, जिसके कारणवश इसे अक्षवट कहा जाता है। इस किले में किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक वस्तु नहीं है अक्षवट के अतिरिक्त।
रात को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। मैंने थोड़ा बहुत ध्यान कवर किया कि टाइम कम था मेरे पास, और उसके हिसाब से काफ़ी कवर कर लिया। मैंने अपने दोस्तों से मिला जो मुझे छोड़ने आया, दूसरा नहीं आ पाया क्योंकि वो लाइब्रेरी गया। अभी बस का वेट कर रहा हूँ। बस आएगी फिर उसके बाद मैं बस लेकर जौनपुर के लिए रवाना हूँ। अभी के लिए इतना ही, और आगे के लिए स्टे ट्यून्ड। हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।